ठीक है। तो देखो मेरे पास एक सेट है, ये एक स्टूडेंट का है। हेलो सर, कर रहे हो? क्या सेट है ये? सर नोकिया 5 है। क्या दिक्कत है? सर फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग है। अब इस सेट पे अपन आज अपनी चार्जिंग की क्लास है। हेलो यस सर। अभी तक चार्जिंग की क्लास किस किस को समझ में आई बता? पक्का? यस सर। अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई सब डायग्राम नहीं है और सब बोर्ड से ऊपर तक मुझे जाना है, तीन चीजें ढूंढनी है, डाटा प्लस, डाटा माइनस और भी बस, बिना डायग्राम कौन कौन ढूंढ लेगा? तो अगर इसका डायग्राम नहीं हुआ तो हमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। हेलो यस सर। पर हम एडवांटेज है, अगर होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो हम तभी भी बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले आओ इसको हम देखें यहाँ पर। सब अपर मैं इसको बनाने से पहले आपको एक डायग्राम समझा दूं क्या? हेलो यस सर। देखो चार्जिंग का डाटा दो तरीके से जाता है, एक या तो डायरेक्टली जाएगा, हेलो यस सर, और दूसरा जाएगा डायरेक्टली पर हाई स्पीड के लिए, लॉजिक हाई, मतलब यहाँ पर वो लॉजिक, यहाँ पर एक पुलअप भी बनेगा, हेलो यस सर, और ये पुलअप इसको वोल्टेज देगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये वोल्टेज 1.6 से बेसिकली 1.2 तक, हेलो यस सर, और आपको तो पता ही है कि जो आपको यहाँ से वोल्टेज मिलने वाला है वो वोल्टेज कौन सा रहने वाला है? 2.5। ये तो आपको पता ही है ना यहाँ पर? हेलो यस सर। अभी केवल 5 वोल्टेज से चार्जिंग सीसी तो होके नहीं बोलेंगे यहाँ पर, 3 वोल्टेज आना चाहिए। कौन कौन से? 5, 2.5। पर जब वो सर्किट पूरा बनता है तो वो 2.5 की जगह वोल्टेज क्या हो जाता है? 1.2। आपने ये भी देखा कि अगर एक लाइन शॉर्ट हो गई तो उसका क्या रिजल्ट है? हेलो yes, और ये भी देखा कि अगर एक पे वोल्टेज आ रहा है और एक पे नहीं आ रहा तो हम दोनों को बीच में से भी जोड़ सकते हैं। हेलो yes, खाली ये कितने के का रिजल्ट लगा? 2.2 के का लगाने की जरूरत सिर्फ खाली क्यों सर? डायरेक्टली कर दोगे तो भी हो जाएगा सर, पर रजिस्टर मारोगे तो ज्यादा अच्छा है, फ्लक्चुएशन नहीं हो पाएगा ये। बट अब इसमें हम देखेंगे क्या है। तो हम सबसे पहले इसका सर्किट देखते हैं और इसमें हमें इसका सर्किट क्या बनता है, आइए देखो। यूएसबी एम्पीयर टेस्टर, हेलो यस सर, ध्यान दो। अगर लगा के साथ बोलो, लगा के साथ, जब बैटरी 3.7 से ऊपर हो, जब बैटरी 3.7 से ऊपर हो, मतलब कंडीशन ये है कि बैटरी का 3.7 होना जरूरी है, नहीं है तो बूस्ट करेंगे। हेलो यस सर। अगर एम्पीयर कितना दिखाई दे रहा है? 0 0। ये देखो 3 0 है, कितने 0 है? 3 0। 3 में से 1 है 0.00। यहाँ 1 आएगा तो 1 एम्पीयर, 2 आएगा तो 2 एम्पीयर, बाकी सब मिली एम्पीयर में। हेलो यस सर। अगर पूरा 0 है बोलो, पूरा 0 है, इसका मतलब है कि उस सेट में चार्जर लगाने से बीपीएच बन नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी शो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि चार्जिंग आईसी एक्टिवेट नहीं हो रही है। बोलो क्या नहीं हो रही है? क्योंकि ध्यान रखना, चार्जिंग आईसी को चेक करने का सबसे एक सिंगल महामंत्र है कि अगर तुम्हारा चार्जर लगाकर बीपीएच बन गया, क्या बन गया, तो तुम्हारा आईसी पूरी ओके, आईसी स्विचिंग कर रही है, बोलो, और बीबस भी पहुंच रहा है, क्योंकि बीबस ही आईसी को स्विचिंग करवा रहा है। समझ रहे हो मेरे पास? तो 0 0 कब आता है? जब आपका क्या नहीं बन रहा है? बीबस। अब इस कंडीशन में क्या चेक करना है? बीबस से चार्जिंग स्विचिंग आईसी तक की सारी सप्लाइयां, हेलो जो हम आज चेक करना सीखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कहां से कहां तक? बीबस से चार्जिंग, क्योंकि हो सकता है कि आपका ओवीपी आईसी भी टूटा हो, हेलो, और आपका ओवीपी 5 वोल्ट को ऊपर तक ले जा नहीं रहा हो, और मीडिया टेक के अंदर, बोलो मीडिया टेक के अंदर, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, एक सप्लाई से और बनती है, वो है VCDT, बोलो VCDT, वोल्टेज कंट्रोल, ये हो गया डिडक्शन, और ये हो गया टिगर, वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन टिगर। तो ये भी बोल सकते हैं ये चार्जिंग को डिडक्ट करता है, चार्जिंग को डिडक्ट करता है किसमें? 0.5, 0.7, बोलो 0.5। तो आपके पास एक फोन है ये मीडियाटेक का, अपन इसको भी बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लो ये एम्पीयर कितना ले रहा है, इसका मतलब क्या ओके है? हेलो, अगर तुम्हारा सेट चार्जर लगाकर 0.60 ले रहा है तो मतलब तुम्हारा चार्जिंग आईसी ओके, बीपीएच ओके, बट तुम्हारा क्या चेक करना है जल्दी बताओ? अगर डीपीडीएम लाइन ओके है बोलो, ये जो एम्पीयर है ये ईएमसी का होता है, किसका होता है? ईएमसी जब हेल्थ खराब हो जाती है, ईएमसी डेड हो जाती है, तो हमारा सेट इतने एम्पीयर पे चला जाता है। हेलो, अगर तुम्हारा सेट कितना ले रहा है, मतलब बीपीएच ओके, चार्जिंग आईसी ओके, सारी सप्लाइयां ओके है, हेलो
डिस्प्ले ना आने का फॉल्ट ग्राफिक्स हो सकता है, क्या हो सकता है? और भी देखो, ये देखो क्या बोला, अगर कॉलकम और इसके अंदर क्या है जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या नो चार्जिंग, चेक कौन सी लाइन, ठीक है, और कौन सी लाइन, चार्जिंग सिस्टम और चार्जिंग स्विचिंग, जिसमें चार्जिंग स्विचिंग और क्या चेक करेंगे, बूट कैप, ये अपन करेंगे चेक। और मीडिया टेक के अंदर बस खाली एक क्या चेक लाइन होगी, वीसी डिग्री। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा, नोटिस करो ये फोटो खींच लेना भाई, देखो फिर से दिखा रहा हूं, अगर मेरा 00 एम्पियर है, बोलो 00 मतलब बीपीएस बन नहीं रहा, हेलो यस सर, पर अगर मेरा 60 है, कितना है 60 है, तो या तो यूएसबी या तो ऑटो पोर्ट, मतलब उस सेट के अंदर ऑटो पोर्ट बन रहा है, हेलो यस सर, और अगर 0.10 आया, बोलो तो ये हमारा सीपीयू का होता है, किसका होता है, सीपीयू का, क्योंकि 0.10 के बाद जब एमएमसी कनेक्ट होता है तो सीपीयू प्रोसेस करने के बाद में रैम को 0.10 और देता है, मतलब 0.20 अगर आता है तो हम मान लेते हैं पोर्ट बन सकता है, क्या बन सकता है, पॉइंट ट्वेंटी, बोलो पर 0.10 आया तो इसका मतलब इन दोनों पे ही काम करना है, हेलो 0.20 आया और पोर्ट नहीं बन रहा है, मतलब कोई एलडीओ की सप्लाई ओके नहीं है और फ्लक्चुएट हो रहा है, बोलो 10-20, 10-20, हेलो तो इसका मतलब क्या है, और 1.6 बोलो 1.6 मतलब क्या है, ओके मतलब नहीं आ रही, और अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद नो लाइन, देखो क्योंकि 1.6 में आपको एटलीस्ट कोई डिस्प्ले दिखना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा किस कंडीशन पे जा रहा है, हेलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो हम दो कंडीशन पकड़ेंगे, पहले हम इसको पूरा कनेक्ट करते हैं, तो देखो पहले हम हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें डिस्प्ले का केबल लगाना है, किसका केबल लगाना है, और डिस्प्ले के बाद किसका केबल लगाना है, बैटरी का, अगर आप बैटरी का केबल पहले लगा दोगे तो क्या होगा, डिस्प्ले शॉर्ट हो जाएगा सीपीयू, क्योंकि डिस्प्ले में बैटरी लगाने के बाद में डिस्प्ले क्यों शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर में एलईडी LED. 4 वोल्ट होते हैं, हेलो एनोड ए, एनोड ए, और एनोड ए बन जाने के वजह से अगर वो कहीं तुम्हारी डीएम डीपी या तुम्हारी रिसेट लाइन से टच हो गई तो वो सीधा सीपीयू जा सकता है, हेलो कई लोग ऐसा करते हैं, डिस्प्ले करेक्टर जल सकता है, करेक्टर तो सबसे पहले जलेगा ही ऑब्वियस है, तो अब हम इसमें ये देखो, अब हमने इसमें वो कनेक्टर लगाया डिस्प्ले का, और अब हम जो कनेक्टर लगा रहे हैं अब अपना चार्जिंग का बैटरी का, ठीक है, अब हमने ये देखो दोनों हमने कनेक्टर लगा दिए, एक हमारा डिस्प्ले और एक हमारा बैटरी, अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे, तब आप देखना क्या हरकत जाता है और ये फोन हमारे को चार्ज होता है और यहाँ पे कोई डिस्प्ले आता है कि ये करके दे, तो हम इसमें दो भाई नॉर्मल देना 5K, तो देखो मैंने लगा दिया है, यहां पर ध्यान दो क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, जीरो जीरो जीरो, हेलो यस सर, तो यहां पर तो ये पूरा नहीं जीरो जीरो है, हेलो यस सर, अच्छा चार्जिंग कनेक्टर यहां पर देखो कनेक्टर की हालत खराब है, दिखाई दे रही है आपको, यस सर, कनेक्टर पे भी काम हुआ है यहाँ पर, हेलो yes, sir. तो क्योंकि ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है ये कोई एम्पियर, yes, मतलब 0-0 है, तो यहाँ पर तो हम ये बोलेंगे कि अभी तो बीपीएच भी नहीं बन रहा है, हेलो बीपीएच नहीं बन रहा है, तो कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आओ चेक करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी निकालेंगे और फिर डिस्प्ले निकालेंगे, डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं निकालेंगे, अब हमारा पूरा पत्ता लगा हुआ है, इसका पत्ता यहां से लगा होता है, अब हम पहले हम देखेंगे यहां पर हमें कुछ जीआर या कुछ भी लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये करके ब्रश देना यार,
देखो यहाँ पर आप ये जो दो चार पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर ये डाटा प्लस डाटा माइनस का ड्यूअल कॉइल का है, किसका है? ड्यूअल कॉइल का। अब हम देखेंगे एक बार, हम देखते हैं कि कुछ जीआर हमें आता है कि नहीं आता है और चार्जर लगाकर हमें क्या मिलता है नोटिस करेंगे। तो पहले हम जीआर देख लेते हैं, बिल्कुल ओएल नहीं होना चाहिए क्योंकि पत्ता लगा है, तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड है तो ये बीबस होगा, ये बीबस हमारा ओके है, ये हमारा आप देखो तो ओएल है और ये हमारा देखो तो ओएल है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें जीआर मिल रहा है, हेलो पर हमको यहाँ पर जीआर नहीं मिल रहा है, तो ये तो पहले है कि आप इसको डायरेक्ट मार सकते हैं जंपर, समझ रहे मेरी बात। अब हम एक पे चार्जर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चार्जर। पर अब इसको थोड़ा सा ऊपर भी समझेंगे बोर्ड में कि ऊपर सप्लाई कैसी है और इसका थोड़ा डायग्राम खोलते हैं और देखते हैं ये कैसा बना रहा है। चार्जर लगाने पर हम यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये हमारा बीबस बन रहा है, हेलो यस सर, यह हमारा पूरा पर वोल्टेज बन रहा है यस सर, पर ये हमारा पूरा वोल्टेज सही नहीं है, ये केवल किसके लिए सही है जल्दी बताओ? सीसी के लिए, बोलो सीसी के लिए। पर हमारे को यहाँ पर बेसिकली ये पूरा क्या सुकेंस बन रहा है क्या जल्दी बताओ? ये हमारा पांच वोल्टेज में एक फ्यूल रजिस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर एक डायोड आईसी डायोड लगा हुआ है। अब हम देखेंगे, अब हम पहले इसको ऊपर से ये वाला पत्ता खोलेंगे इसका कनेक्टर का, वो देना यार देखो ये हमारा कैमरा निकाल दिया, अब डाल दो। अब हम पहले इसको देखते हैं ये डायग्राम में हमें क्या बना रहा है। सबसे पहली बात, ये क्वालकॉम का डिवाइस है, बोर्नियो में जाएंगे, नोकिया में जाएंगे, तो नोकिया 5 में जाएंगे, नोकिया 5 और डायोड में जाएंगे और चार्जिंग डाटा में जाएंगे। बिटमैप नहीं है इसका, पहले तो हम इसकी आईसी का थोड़ा सीक्वेंस समझते हैं, तो इसकी आईसी का सीक्वेंस हम देखेंगे। तो आप देखो इसमें ये केवल एक ही पावर सिंगल पावर में, हेलो यस सर, किसमें है जल्दी बताओ? सिंगल पावर में, सिर्फ ये पावर आईसी है, ये सीपीयू है, ये एमएमसी है, ये आपका वाईफाई आईसी है और यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा बनाएगा जल्दी बताओ? डायरेक्ट कैसा बनाएगा? डायरेक्ट सीपीयू से, इसमें कोई पुलअप नहीं है। अगर इसमें पीएमआई होती जी सर, क्या होती? बी पीएम मतलब एल ए सी, तो हम मान लेते हैं कि ये पुलअप रजिस्टर भी लगा होता, क्या लगा होता? ताकि लुक्स को हाई कर सके, हेलो हाई स्पीड, समझ रहे मेरी बात? अभी जो भी हाई स्पीड है वो सीपीयू से है, किससे बताओ? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमारा यहाँ पर आ रहा है DPDM, इसके बाद एक यहाँ पे ड्यूअल कॉइल लगी हुई है, हेलो yes, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें जीआर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि सब बोर्ड का जीआर ओके नहीं होता, हेलो yes, सब बोर्ड पे जीआर डायोड का होता है, किसका होता है? yes, हाँ, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे जीआर। सर ये कनेक्टर के नीचे नट फंसा हुआ है, अब हम डायोड मोड पे लेंगे और इस कॉइल का जीआर लेंगे, पहले हम इधर से ले लेंगे, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से लेंगे, नोटिस करो यस सर, जीआर आ रहा है यस सर, इधर देखेंगे, इधर भी देखेंगे आ रहा है जीआर यस सर, और इधर भी आना चाहिए, मतलब ये दो पॉइंट पे आना चाहिए, इधर देखेंगे इधर भी जीआर आ रहा है और इधर भी आ रहा है। अब इधर से हम नीचे तक एक बार बीप चेक कर लेंगे, हेलो yes, अगर बीप आती है तो नीचे ही जंपर मारेंगे और नहीं आती है तो ऊपर से जंपर मारेंगे, समझ रहे मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसके ये वाले पॉइंट पे रखेंगे, ये वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक इधर और एक इधर, तो एक इधर रख लिया, बजर मोड पे किया,
और नीचे जाएंगे तो एक मैंने इधर पॉइंट पे रखा आ रहा है और एक इधर रखेंगे आ रहा है जिस मतलब अब हम नीचे क्या मार लेंगे जंपर और देखेंगे पहले तो उसको मार के देखते हैं कि क्या होता है हेलो फिर हम देखेंगे उसके बाद हमारे को क्या हरकत मिलती है ओके होता है कि नहीं होता है फिर हम इसकी चार्जिंग का सप्लाई देखेंगे समझ रहे मेरी बात तो जितना ये सेट अभी है अभी सामने दिखाई दे रहा है उतना काम करेंगे ठीक है अब एक बार देखेंगे अब देखो इधर और इधर ये वाले पैड को भी थोड़ा सा हटाएंगे ये पैड दिखाई दे रहे हैं ये दो पैड हाँ ये पैड कनेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए इसको सीधा कर देंगे और ये पैड कनेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए इसको सीधा कर देंगे अब यहाँ पे देखेंगे ये देखो ये ग्राउंड था हेलो जिस वजह से आपका डीएम आपका डी माइनस आपका ग्राउंड हो रहा था अब हम यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा ग्राउंड नहीं है ठीक है अभी हम फिर से अब अभी इस कंडीशन में फिर से चेक करते हैं फिर हम इसको बहुत बेहतर तरीके से जंपर मार के यूवी ग्लू के साथ लगा देंगे डिस्प्ले लगाएंगे सबसे पहले ठीक है डिस्प्ले लग गई है अब हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे
डीला अबाउट कनेक्ट। ठीक है, बैटरी लग गई है, अब हम वापस देखेंगे। देखो ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे। देखो 1.1 एम्पियर आ गया, हेलो yes, और ये देखो इस बार चार्जिंग भी जल्दी हो रही है यहाँ पर, लोगों पे भी जा रहा है। ये देखो कितने पर चला गया, 1.3 पर, हेलो 1.3। और अब देखो ये वापस आ जाएगा और ये पूरे पर जाएगा यहाँ पर। ये देखो ये परसेंटेज भी आया है, 2 एम्पियर पर चला गया, हेलो yes, ये चीज किस किस को समझ में आई जल्दी बताओ। बहुत बेसिक था भाई, अरे वो डायलॉग है ना कि जितना तुम एक महीने में कमाते हो उतना मैं एक जंपर मार के कमाते हैं, हेलो ये डायलॉग अभी बनता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है मेरे पास। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से